अंबेडकर वादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये आवाज पहचान रहे हैं आप? नहीं तो चलिए एक बार फिर सुनते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम साथियों, मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात, मीना के साथ। आपने जब जय भीम के नारे हमारे पीएम मोदी के मुंह से सुने तो आपके दिमाग में क्या विचार आया? यही ना कि पीएम मोदी भी बाबा साहेब के भक्त हैं। अब आप सोचे या ना सोचे, लेकिन खुद पीएम मोदी अपने आप को बाबा साहेब अंबेडकर का भक्त मानते हैं। यानी बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है ये नजर आता है। जी हाँ, मार्च 2016 में नरेंद्र मोदी अपने आप को बाबा साहेब का भक्त घोषित कर चुके हैं, लेकिन वे बाबा साहेब के विचारों को कितना मानते हैं इसका अंदाजा कल हुए राम मंदिर के शिलान्यास से लगा सकते हैं, जब खुद मोदी अयोध्या पहुंचे और वे मंदिर में पहुंचते ही कुछ इस तरह नजर आए। अंबेडकरवादी तो घोषित कर दिया, लेकिन पीएम मोदी भूल गए कि बाबा साहेब मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। उनकी 22 प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी थी कि वे राम कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानते और ना इनको कभी पूजा करने के लिए कहते। ऐसा पहली बार नहीं है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को अपने संबोधन में शामिल किया है। वह कई बार बाबा साहेब के विचारों को समर्थन करते नजर आए हैं। वह कभी लोकसभा में, कभी किसी चैनल के कॉन्क्लेव में, तो कभी पार्टी के प्रचार प्रसार के दौरान, तो कभी बाबा साहेब की जयंती पर। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्याय करते हैं। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमें जितने अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं। हमें जितने हक मिले हैं सब बाबा साहब अंबेडकर ने दिए हैं। अगर कोई ये दावा करता है ये कानून उन्होंने दिया, ये अधिकार उन्होंने दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर का घोर अपमान कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव को हिंदू धर्म में फैली वर्ण व्यवस्था सबसे ज्यादा गलत लगती थी। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल अपनी एक स्टोरी में बताते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति व्यवस्था का नाश हो में अंबेडकर ये कहते हैं कि बिना दंड विधान के वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना संभव नहीं है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति ही नहीं है कि वह तय खांचे के अंदर कैद रहे। अगर दंड की कठोर व्यवस्था नहीं रहेगी तो व्यक्ति एक वर्ण से दूसरे वर्ण में चला जाएगा और वर्ण व्यवस्था टूट जाएगी। इस क्रम में वह राम और शंभू का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि राम ने अपने शासन में वर्ण व्यवस्था को किस क्रूरता के साथ बनाए रखा था। शंभू शूद्र थे और तपस्या में लीन थे, लेकिन राम राज्य में हर वर्ण का कर्म निर्धारित था और शूद्र का कर्म तपस्या नहीं सेवा करना था। इस वजह से राम के शासन में जब एक ब्राह्मण लड़के की मृत्यु हो गई तो उसके पिता ने राम से इसकी शिकायत की और जांच करने पर पाया कि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है और उससे धर्म को जो हानि हुई है उसी वजह से ब्राह्मण लड़के की असमय मृत्यु हुई है। राम कथा में वर्णित है कि राम ने स्वयं जाकर शंभू का वध कर दिया था, जिसके बाद वह लड़का जी उठा। बाबा साहेब लिखते हैं कि कुछ लोग राम को इस बात का दोष देते हैं कि
उन्होंने निर्दोष शंभुक का वध कर दिया। लेकिन शंभुक वध के लिए राम को दोषी ठहराना पूरी व्यवस्था को लेकर समझ न हो पाने की वजह से है। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि राम राज्य वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। राजा होने के नाते राम का कर्तव्य था कि वह वर्ण व्यवस्था की रक्षा करें। इसलिए जब शंभुक ने वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन किया और तपस्या करके ब्राह्मण बनने की कोशिश की, तो राम का धर्म था कि वह शंभुक का वध कर दें। वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए एक मामूली दंड काफी नहीं है, इसके लिए मृत्यु दंड की आवश्यकता पड़ी। राम ने यही किया। अंबेडकर इस बात से बेहद नाराज थे कि राम ने अपनी पत्नी सीता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इस संदर्भ में उन्होंने दो घटनाओं का प्रमुखता से उल्लेख अपनी किताब रीडर्स इन हिंदूज में किया है। पहली घटना तब की है जब रावण राम से हार चुका है और मारा गया है, लेकिन इसके बाद राम सीता के पास नहीं जाते हैं, बल्कि रावण का अंतिम संस्कार होता है और विभीषण का राज्याभिषेक होता है जिसमें राम शामिल होते हैं। इसके बाद भी वे खुद सीता के पास नहीं जाते, बल्कि अपने प्रतिनिधि के तौर पर हनुमान को सीता के पास भेजते हैं। सीता हनुमान के साथ राम के पास आती हैं। अंबेडकर रामायण के हवाले से बताते हैं कि राम ने सीता से कहा कि तुम्हारे अपहर्ता को युद्ध में परास्त करके मैंने तुम्हें जीता है, मैंने अपना स्वाभिमान पुनः प्राप्त कर लिया है और शत्रु को सजा दे दी है। ये सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया है, मुझे तुम्हारे चरित्र पर शक है। रावण के साथ तुम्हारे संबंध जरूर बने होंगे, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो चली जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अंबेडकर को इस बात की पीड़ा है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें मानवता हो वह अपनी पत्नी के साथ जो पहले से इतनी तकलीफ में हो ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इसके बाद सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। अयोध्या वापसी के बाद और राम राज्य की स्थापना के बाद भी सीता के साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला रुकता नहीं है। सीता के चरित्र को लेकर अफवाह फैलने की बात सुनकर राम फिर से सीता का त्याग कर देते हैं। बाद में राम सीता से फिर से अपने चरित्र की परीक्षा देने को कहते हैं, तो वह धरती में समा जाती हैं। अंबेडकर लिखते हैं, सीता ने क्रूरता का व्यवहार करने वाले राम के साथ लौटने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। ये सीता के जीवन की त्रासदी है और भगवान राम का ये अपराध है। राम के इस आचरण के बारे में अंबेडकर कहते हैं कि राम ने सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये सब किया, जबकि उन्हें मालूम था कि सीता के चरित्र में कोई दोष नहीं है। एक राजा के तौर पर उन्हें अफवाहों का शमन करना चाहिए था, लेकिन वह एक कायर राजा साबित हुए। ये सब जानकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बाबा साहेब कभी भी राम राज्य लाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा साहेब को राम जातिवादी और महिला विरोधी लगते थे। इसके साथ ही ये भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति बाबा साहेब के विचारों को मानेगा वो राम या किसी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखेगा। लेकिन हमारे पीएम एक तरफ बाबा साहेब को मानने वालों को खुश रखते हैं, तो दूसरी ओर राम भक्तों को भी खुश करते हैं। राम राज्य को थोड़ा सा और विस्तार से समझा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल चमड़िया, जो बता रहे हैं कि राजनीति में किस तरह से धर्म प्रवेश कर चुका है और कैसे राम राज्य समय समय पर बदला है। राम राज्य का सवाल जो आज के परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, पहले तो इसको हम लोग समझ लें। इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा हिंदू का रामराज और दूसरा हिस्सा हिंदुत्व का रामराज। हिंदू का जब राजनीतिकरण हो जाता है तो उसकी जो आक्रामकता होती है, यानी बहुसंख्यक की जो आक्रामकता होती है, वो उसकी चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो दो लेयर पे समझना चाहिए, दो स्तरों पे रामराज को समझना चाहिए। एक गांधी का रामराज जो हिंदू का धर्म, हिंदू बड़ाश्रम में जिनका यकीन था, जो इस सोच के थे और इसी सोच के को विस्तार देते हैं आदर्श ग्राम के रूप में, रामराज के रूप में। और आज जो रामराज की बात हो रही है,
वो हिंदुत्व के रामराज की बात हो रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस हिंदू वर्णाश्रम में यकीन करने वाले या उसकी सोच पर जो आधारित रामराज की कल्पना का विरोध जो डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, वो किसी भी और दूसरे रामराज, आज के समय में अगर रामराज की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका विरोध एक स्वाभाविक विरोध है। दो दुनिया की कल्पना है ये, दो दुनिया की कल्पना है। एक है वर्चस्व की का ढांचा और दूसरा एक समानता का ढांचा। और डॉक्टर अंबेडकर एक सिरे से जो हिंदू वर्णाश्रम की जो पूरी व्यवस्था है उसको खारिज करते हैं और अमानवीय बताते हैं। दुनिया भर में इतना अमानवीय, ऐसा अमानवीय शायद और दूसरी व्यवस्था नहीं हो। 5 अगस्त को भारत के इतिहास में दर्ज जरूर किया जाएगा, लेकिन उसका कारण ये नहीं होगा कि कई सालों की राजनीति का हिस्सा रहा राम मंदिर बनाया गया या उसकी शुरुआत हुई, बल्कि इस दिन को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में इसलिए याद रखना चाहिए कि जब देश दुनिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, जब देश में मरीजों के लिए अस्पताल कम पड़ रहे थे, जब स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी, तब भारत में मंदिर बनने का जश्न मनाया जा रहा था। आज बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बहुजन समाज की और अधिक खबरों के लिए द शूद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। द शूद्र के लिए मीना कोटवाल, जय भीम, जय भारत।